सीतामढ़ी जिले में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां व्यवसायी से अपराधियों ने लाइसेंसी पिस्टल लूटकर उसी पिस्टल से गोली मार दी। जख्मी का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना महसौल ओपी क्षेत्र के रघुनाथपुरी मोहल्ले की है। जख्मी की पहचान धीरेन्द्र कुमार पंकज उर्फ गुड्डू झा के रूप में की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रोड पे टहल रहे थे भैया और कोई आया है अज्ञात और उन्हीं के पिस्टल से शायद खींच के मारा है। अब क्या है वो तो वहाँ के लोग बताएंगे। पूर्व में कोई स्थिति बहुत गंभीर है और पूर्व में प्रशासन कुछ लगना चाहिए। देखिए अभी लगभग 8:15 बजे के बीच में ये रघुनाथपुरी मोहल्ला है, यहाँ पे गुड्डू झा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है और अभी वो हॉस्पिटल में इलाज में है। वो रिकवर होते हैं तो फिर इसे घटना के कारण और इसके बारे में विस्तृत चीज़ मालूम होगी। हम लोग की टीम आ गई है और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आदित्य हैं फोन लाइन पर। आदित्य, क्या कुछ घटना की वजह रही है, घटना के पीछे क्या कुछ वजह रही सामने? जी, मैं आपको बता दूं कि घटना की वजह जो पुलिस अभी बता रहे हैं कि ये घटना की वजह आपसी विवाद है और जैसा कि ये जो पंकज है जो जख्मी है, इनका बैकग्राउंड जो है, इनका व्यवसाय है पैसा लगाना, ये सूद पे जो पैसा लगाते हैं इनका मुख्य पैसा ये है और पुलिस कहीं ना कहीं उस कड़ी को पैसे के विवाद से जोड़ रही है। जी, क्या इससे पहले की इस तरह की घटना सामने आई थी, क्या इससे पहले कोई धमकी दी गई थी इन्हें? जी, अभी तक पुलिस ये जख्मी अभी होश में नहीं है, इस कारण उनका कोई बयान नहीं लिया जा सका है, लेकिन आपसी विवाद जो घर के लोगों से जो ये पुलिस जो बात की है और पुलिस का जो कहना है कि अभी आपसी विवाद का मामला सामने आ रहा है और पूरी बात तभी खुल के सामने आएगी जब जख्मी का बयान पुलिस ले सके। आदित्य, जख्मी की हालत अभी किस तरह की है, क्या डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं? जख्मी की हालत तो अभी नाजुक है क्योंकि जख्मी के सर में गोली लगी हुई है जिस कारण वो बेहोश है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है शहर के एक निजी क्लिनिक में। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका आदित्य। तो बता दें आपको कि एक व्यवसायी को उन्हीं के बंदूक से अपराधियों ने उन्हें सर में गोली मार दी है और अभी तक उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, बेहोश है। हालांकि अभी तक किसी इस मामले में किसी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन तमाम चीज़ों की तमाम ध्यान बिंदुओं पर पड़ताल जारी है।